अल्लाह हेलो एंड सत श्रीकाल वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ सादी पॉडकास्ट आज जो पॉडकास्ट में हमारी गेस्ट हैं वो हैं सबूही खान जो कि क्लिनिकल अरोमा थेरापस्ट हैं और उससे भी ज़्यादा सबूही की सबसे अहम बात ये है कि सबूही अपने बॉडी साइज की वजह से जिंदगी में आगे बढ़ने से नहीं रुकी हैं शी लव्स हर सेल्फ शी लाइक्स हर सेल्फ शी इज़ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस और uh, मज़ीद क्या है ये बातें हम सबूही से करते हैं है आपको I'm good, I'm good. मैं ठीक हूँ। सबूगी मैं सबसे पहले चाहूंगी कि हम आपके प्रोफेशन को डिस्कस करने से yes. पहले पाकिस्तान के अंदर आ, हम हाँ. लोगों को एक बहुत आदत है लोगों को उनके अपेरेंट से जज करने की mm -hmm. किसी की शक्ल ऐसी है काला है uh, कोई शॉर्ट हाइट है तो छोटू लग रहा है कात पे मजाक उड़ाते yeah. हैं गंजा है तो गंजू टकला कहना शुरू कर देते हैं yeah. आप मुझे बताओ कि एक तो सबूही ने खुद इंस्टा पे मुझसे कांटेक्ट किया yeah. उन्होंने कहा कि वो ये प्लेटफॉर्म यूज करना चाहती हैं yeah. अपनी वॉइस रेस करना चाहती हैं ताकि बहुत सारे लोग जो सबूही को देख रहे हैं और वो रिलेट कर पाएंगे yeah. और आप उन्हें इंस्पायर करेंगी मुझे आप बताए शुरू से आपको वेट का इश्यू था या क्या नहीं हमेशा से नहीं थी बट एट द सेम टाइम इट इज पार्ट ऑफ मी ग्रोइंग अप एज वेल के हाँ वेट गेन हुआ और शेप चेंज हुआ पर वो कभी मैंने अपने आप को रोके रोका नहीं उस वजह से कि जैसे कुछ लोग कहते हैं ना जब मैं वजन कम करूंगी तब मैं लाइफ में ये अचीव करूंगी या मैं मैं जब फेयर हो जाऊंगी तो तब मेरी लाइफ बेहतर हो जाएगी नहीं वो माइंडसेट जो है इज व्हाट आई एम आई एम ट्राइंग टू चैलेंज ओके लेकिन सॉरी टू कट यू क्या ये वेट का बढ़ना आपके Uh, बुरे प्लांस की से था, more वो वेलनेस um, जर्नी के लिए ही इंस्पायर um, इसी वजह से हुई थी um, I, मैं ढूंढ रही थी एक um, तरीका कि हाउ टू रेगुलेट माई इमोशंस अप एंड डाउन तो होगा but उसको, uh, करना, खुद करना, वो एक जर्नी ये, ये बात बहुत बड़ी है क्योंकि जब हमारा मूड चिड़चड़ा होता है इंसिडेंट डेली रूटीन का हो हाँ। गया उसमें गुस्सा आता है हाँ। तो बहुत सारे कि अभी खाया तो दिल कर है कुछ और जो माइंडलेसली माइंडलेसली रोमा थेरेपी भी मैंने इसलिए शुरू की थी कि मूड को मैनेज करने के लिए मूड बहुत अच्छी तरह मैनेज होता है एंड um, oh, आपकी स्नैकिंग रुक जाती है बट ये आपको एक ट्रीटमेंट मतलब ये आपको एक पॉज देता है आई कैन स्पीक फॉम वेरी पर्सनल स्पेस आई टू बीफ मदर बावरचंद And she's like, You can only do something in science. Now, irony they came. I did biomedical sciences. I have a background in biomedical sciences and I specialized in cancer biology from yeah. Singapore. And, and I hated it. I struggled to finish my degree and I. Said, यार, से पहले थोड़ी सी गोल, गोल, गोल मैं, मैं ब्रेक लूंगी देखूंगी इस करियर में क्या बट यू नो इट वॉज के दर्ट वॉज एंड एंड इट वॉज सो बिकॉज मैंने देखा था एक क्लासमेट थी मेरी जो ब्रेक में भी साइंटिफिक पेपर पढ़ती थी मैंने कहा यार इस चीज से तो मैं भागती हूं मैं कैसे पढ़ सकती हूँ उसको ब्रेक टाइम में ऐसे फिर सबको मुझे इंटरेस्ट है एंड फिर मैंने oh, सोचा इट वाज हर पैशन इट वाज हर पैशन मैंने सोचा यार देयर आर मोर पीपल लाइक हर हु शुड डू द जॉब दैट आई एम ट्राइंग टू डू आई शुड डू द जॉब दैट आई लव टू डू और फिर मैंने सोचा व्हाट डू आई लाइक रीडिंग I like reading about new inventions. I like reading about new techniques. मुझे बहुत शौक है to improve mood and mental health. मैंने कहा मुझे इस चीज में काम करना है. Mm. And that's where my journey started. Very interesting. Very interesting. Yes, and and uh, abhi bhi sometimes my parents are like, we don't know what this one is doing. <laughs> Acknowledge <laughs> like, me, kya unhone? they have, they have, they have no Show choice. Show them this podcast. <laughs> they have no choice yeah. because at the end of the day. आई थिंक जब आप अपना पैशन प्रोस्यू करते हैं आप उसमें बहुत दूर जाते हैं hmm. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे पैशंस अप्रोप्रिएट uh, हैं यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ योर एन्वायरमेंट एज वेल जैसे इस फील्ड में भी कहना है इसे कि देर आर थिंगस आई डोंट लाइक ये आई हैव टू स्टडी ऑर्गेनिकमिस्ट्री आई रियली डोंट लाइक ऑर्गेनिकमिस्ट्री बट आई नीड टू स्टडी इट इन ऑर्डर टू गेट बेटर नॉलेज तो आई एम मोटिवेटेड टू स्टडी इट But will I ever study organic chemistry on its own? No, I will not. So ye reframe makes it easier to do. Hmm. Honestly, I feel that people should have clearer conversations because जो पुराने professions थे जिसमें parents का क्या मकसद है job security? Hmm. पर दुनिया बदल रही है hmm. and लोग इतनी random चीजों में job security पा रहे हैं hmm. कि they गिव योर चाइल्ड अपॉर्चुनिटी टू टेक दट द सेम टाइम इस जर्नी के अंदर इट्स नॉट ईजी बिकॉज सोसाइटी वाइज ऑल्सो बहुत ही कॉन्ट्रोडिक्ट्री स्पेस मिलती है ना mm -hmm. कि बेटा आपको वजन कम करना चाहिए आपकी जिंदगी का ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बट एट द सेम टाइम पकौड़े समोसे हर चीज सर्व भी हो रही है hmm. ये नहीं कि आप फ्रूट्स दे रहे हैं दैट्स मोर सपोर्टिव हर घर के किचन में खाना yeah. वो सब बनता है जो आपको मोटाई करेगा या आप सारा खाना ऐसा ही बनता है बट इट्स मोर लाइक अंडरस्टैंडिंग आपकी बॉडी के लिए का, कौन सा खाना आपको सूट करता हाँ, है उसकी उसकी एजुकेशन नहीं है या उसकी एजुकेशन की अवेयरनेस नहीं है कि के पीपल जिससे जिनको ग्लूटन एलर्जीज होती हैं दे शुड रियली बी यूजिंग ग्लूटन फ्री फूड या uh, के प्रोटीन से कितनी कैलोरीज मिलती हैं फैट से कितनी कैलोरीज मिलती हैं um, कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरीज मिलती हैं ये सब नॉलेज जो है ना बाद में आई लर्न इन लाइफ बट अ वेरी क्रूशल पार्ट ऑफ माई लाइफ वॉज स्पेंड इन दिस वेरी विशस साइकल ऑफ बींग बुलीड बींग फैट शेम्ड एंड देन ऑल्सो फीलिंग लाइक नो मैटर हाउ मच आई अचीव इट वॉज एन इन बिकॉज सीलिंग वॉज बिकॉज ऑफ द वे आई लुक्ड बट आई नेवर लेट दैट स्टॉप मी

जो एक्सेप्टेंस मतलब कि अगर मेरा ये जो हाथ है मेरी जो नाक है मेरा जो बॉडी साइज है वो yeah. तो मैंने एक्सेप्ट किया हुआ है इन माय ओन स्किन यस यस बिल्कुल वही चीज तो वो वो एक जर्नी थी आल्सो तो फॉर मी hmm. क्योंकि लाइक द द एनवायरमेंट इज तो लाइक नॉट तो एक्सेप्टिंग

So, you have to then develop the confidence and develop this thinking: no, I'm important for myself, I my goals are important for me. i not to It is tiring sometimes, at yes. home, with the society, yes. at workplace. Yes, very much so. It is very tiring sometimes because in every aspect of your life, you're first judged on how you look and then what you can do because that's how it is. बट इफ यू नो दैट के योर वर्क इज़ गुड इफ यू नो दैट के यू नोम दिस इज वाई दिस पॉडकास्ट वॉज इम्पॉटेंट टू के टू चेंज दैट नरेटिव के ब्रिंग इंक्लूसिविटी ये मैं नहीं कह रही हूँ जैसे वो एक कॉमेंट होता है ना कि फिर हम नहीं बोलें कि वो फैट नहीं है हम उसको स्लिम बुलाएं नहीं आप उसको उतना ही डिसमिस कर रहे थे जैसे आप फैट बुला रहे थे और उतना ही डिसमिस कर रहे हैं जब आप उसको स्किन ही भुला रहे हैं इट इज वॉट इट इज बट दे है वो डिफाइन नहीं होता उस चीज से आप जब मोटा किसी को कहते हैं तो आप नोट किया करें की कि आपके अपने लहज में कितनीशन है yes, it's ये इंटेंशन यस yes. और लोग सोचते हैं लोग लो सोचते हैं कि पैसे है नहीं बहुत हर्ट हुआ, हुआ और वो एक साइकिल भी परपैचुएट होती है कि फिर इमोशनल uh, सारा अपीवल होता है और फिर उसको रेगुलेट करने के लिए बंदा जाके विन जीटिंग करता है या खाता hmm. है इमोशनली टू मैनेज दो यस यस वेरी मच सो एंड देन फिर हम ये एक अनहेल्दी तरीका सीखते हैं कोपिंग के लिए एंड ये एक तरीका है कि विन जीटिंग आप करते हैं देर इज ऑल्सो अदर वेज पीपल कोप

That doesn't mean I should stop living. Yeah, I should stop existing. Mm. Yeah, I should stop being. Yeah, yeah, I'm not capable. Mm. Very capable. Or family, ki parents, ki siblings ke support kaisi thi? Mixed. Be honest. Mixed. Mixed. Okay. They are supportive, but I think they don't know how to be supportive because they are from that space that is like if you would lose weight then if you if you were skinnier then you would look even nicer so it's like you look nice but you would look nicer and than language how use? this how use? is the language they use and I used to listen to this and I'm like I don't think they know how to compliment in Kona um friend who's a therapist also said when you use that word but Hey, you are pretty, but mm. you have negated the first sentence. So now, whenever now they say the first line, <laughs> I say like, shh, 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 stop. <laughs> the first line. Ah. That's it, ah. and keep it at that. <laughs> Don't say more than that. Mm. Yes, all of those other things can be true, mm. but let me enjoy this moment as well. Ah. You know. I have seen many women, especially young girls, pressure. For being uh, normal people, normal size so girls, so pretty, and they feel not good but enough. pressure of being perfect, and it's a mental thing. Uh -huh. And I remember this. I, I mean, it's not like that. I have never exercise. I am a swimmer. I have always uh -huh. swum my entire life. I have swum. Uh -huh. I am not an like athlete level swimmer, uh -huh. but I am an active person. Uh -huh. I don't let that uh, define me. You uh -huh. know, I don't let that. Um,

आप डिफाइन करते हैं कि कहाँ आपकी बाउंड्री है कि आपने क्या एक्सेप्ट करना है और कि क्या आपने नहीं एक्सेप्ट कर सकूँगी वो क्या होता है कि बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ जो That's... उसकी अंडरस्टैंडिंग जो मुझे है कि बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर इज कि दूसरे लोग जिस तरीके से भी शो अप करें आप अपनी वैल्यूज नहीं कॉम्प्रोमाइज करें दैट मीन्स दैट बी द बेस्ट डोंट बी समी एल्ज Uh, uh, किसी और के लिए आप अपनी वैल्यूज नहीं कॉम्प्रोमाइज करें किसी और के लिए आप अपने अपनी जो बाउंड्रीज हैं उसको फिनिश uh, नहीं करें hmm. मतलब कि बी द बेस्ट यू कैन फॉर योर सेल्फ दैट मीन्स फॉर योर सेल्फ लिटरली के शो uh, be hmm. hmm. इससे मुझे पता चल रहा आप है आपकी किस बात से कि हमारी सोसाइटी में कंपेरिजन वैसे ही

बट सो मैनी पीपल आज की प्रोग्रेसिव पाकिस्तानी सबूही खान हाउ डज सी दूचर ऑफ आर सोसाइटी लोग अगर अपने इंडिविजुअली शाइन थ्रू करेंगे तो ये जो पुरानी वैल्यूज़ हैं इनमें शिफ्ट आने लगेगा आई सी के पाकिस्तान के अंदर इट्स कॉल्ड मेट्रोकिसी कि मेट्र मतलब, मतलब कि आप अपने मेरिट पे बेस्ड हैं आपकी अपनी अचीवमेंट्स एंड अकम्पलिशमेंट्स पे बेस्ड हैं रादर देन वॉट्स योर बैकग्राउंड इट्स मोर लाइक वाट आर यू केपेबल ऑफ दैट्स द डायरेक्शन वी रियली शोड गो इन टू कि जो बंदा जिस जॉब में बेस्ट है उसको नहीं रखते बिकॉज connection. Mm, so true. That is what but, a democracy is. Ha, ha, vise, uh, is. Uh, वैसे बट आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन आई नो नीदर एम आई लेकिन हम दोनों पाकिस्तानी सिटीजन हैं yes. हम दोनों यंग विमेन हैं सब वी मुझसे ज्यादा यंग है आई एम ओल्डर देन हर तो हमें मैं कहती हूं ठीक है हम लोग पॉलिटिशियंस नहीं है

किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेज करना hmm. नहीं मेरी अपनी ब्रिंगिंग इट बैक टू माई सेल्फ ऑल्सो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपने आप को कैसे डिफाइन करती हूँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने, hmm. अपने लिए क्या चीज़ें अपने लिए केपेबल कर सकती हूँ और क्या चीज़ें जो हैं मैं नहीं अलाउ करती हूँ hmm. तो यस yes, ये एक छोटा स्केल है ऑफ बींग इन माई ओन सर्कल बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस क्योंकि वहीं तो हमारी इमोशंस भी रेगुलेट होती हैं कि एक बंदे ने अगर ऐसा बोला है डज दैट डिफाइन माई लाइफ नो इट डजेंट या ऐसा चीज़ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे बेस्ड ऑन हाउ आई लुक आई एम जज्ड रादर देन माई प्रोफेशनल लाइफ डज दैट डिफाइन और डज दैट उसकी जजमेंट से मेरी ज़िंदगी चेंज होगी नहीं नहीं होगी मेरी जिंदगी जब चेंज होगी जब मैं खुद चेंज करना चाहूँगी Hmm. मेरा मकसद ये है hmm. और वो कैसे करते हैं चेंज अपने माइंड सेट से अपने एटीट्यूड से hmm. अपनी 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 आपका क्या डिज़ायर है आपको क्या अचीव करना है hmm. आपने उसके लिए क्या लैंग्वेज यूज़ hmm. किया है आपने कैसे उस चीज़ को अपने गोल सेट किया है आपने hmm. उसके लिए क्या एक्शंस लिए हैं क्या आपको लगता है कि लड़कियों को करियर ओरिएंटेड होना चाहिए जिस तरीके से इकोनॉमी है आज की दो इनकम्स हाउस होल्ड के अगर नहीं है तो देन कॉम्प्रोमाइज बहुत ज्यादा हो जाता है जहाँ पे देन आपके बच्चे सफर करते हैं अगर आपको अपने बच्चों को एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ देना है चाहे आप मैन हो या वुमन हो दो इनकम्स ऑलवेज हेल्प सो वी नीड टू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम देट साइड दिस इट्स नॉट अ मैन इन वूमन डिबेट इट्स अबाउट मैनेजिंग योर हाउस होल्ड एक्सपेंसेज तो so, सबूई अब बताएं क्लिनिकल uh, थेरेपी क्या है सो क्लिनिकल अरोमा थेरेपी इज माय पैशन एक्चुअली इट इज डिफरेंट प्लांट पार्ट्स के एक्सट्रैक्शन उनके जो अर्थ निकलते हैं उनके साथ डिफरेंट पौधों के और फूलों के हाँ जो अर्क निकलता है हाँ, हाँ। okay. वो वो उन उनके साथ दवाइयाँ भी बनती हैं उनके साथ परफ्यूम्स भी बनती हैं और उनके उनके साथ आम, थेरेप्यूटिक होलिस्टिक ट्रीटमेंट्स भी होती हैं जिसके अंदर हम माइंड बॉडी और सोल को ट्रीट करते हैं तो उसमें क्योंकि वाई इज इट के ये ट्रीटमेंट एक अक्नॉलेज चीज़ है और वेस्ट में और यूरोप में बहुत कॉमन है कहाँ से किया है मैंने सिंगापुर से किया है Uh, ये बहुत कॉमन है वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे ये लोग इन चीजों को ज्यादा अहमियत देते हैं कि नेचुरल हो होलिस्टिक हो हालांकि पाकिस्तान में सबसे पहले दुनिया की सबसे पहली डिस्टिलरी वो इक्विपमेंट वो होती है जिससे अर्क निकाला जाता है oh, टैक्सेला okay, में इट वॉज दिल रिकॉर्डेड इन दर्ल्ड जो हमें पता ही नहीं है Okay. <laughs> तो हालांकि hmm. हाँ. हमें ये बोला जाता है, hmm. की है या स, सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है uh -huh. but why not pakistan we have good things to yes we have, we have we have and तो मुझे बताएं अच्छा ठीक है आप कह रही हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं पौधों से एक्सट्रैक्ट करते हैं और उनकी ट्रीटमेंट्स होती हैं एंड डिफरेंट सेंट्स से डिफरेंट मूड्स होते हैं डिफरेंट इमोशंस होती हैं ये मैं उठा रही हूं आपके हाँ. अच्छा और मुझे आप अगेन हम डिस्कस जब शूट से पहले कर रहे थे हुँ. ये क्यूट सी बॉटल्स हैं इनकी आपने कहा था सादिया अगर कोई एडिक्शन है स्मोकिंग की अल्कोहल yeah, की yeah. या ड्रग्स की yeah. उसके लिए भी यूज होता है हाँ डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं स्मोकिंग के एक्चुअली सो देयर अ केस स्टडी दैट वाज डन जिसके अंदर ये इन लोग ने रिसर्च की थी कि सर्टेन एसेंशियल ऑयल्स एक्चुअली रिड्यूस इन इनटेक ऑफ निकटीन बाय 40 टू 60% अच्छा यस दैट मींस इट कैन हेल्प अ पर्सन

दैन दैट नीड डजेंट अराइज तो हम एक बिग um, पिक्चर से अप्रोच करते हैं रूट कॉज को हम स्मोकिंग mm. को देखते हैं एज ए सिम्टम वर्सेज द इशूकॉज वो तो सर्फेस था mm. वो एक रिस्पॉन्स था इन ऑर्डर टू फुलफिल द नीड टू मैनेज एन इमोशन सो इसलिए रोमोथेरापी वर्क वेरी वेल बिकॉज इसमें इमोशनल मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह आती है बिकॉज ये मूड्स को इमोशंस को कंट्रोल में रखता है या एक्चुअली स्टिम्यूलेट करता है या इंफ्लुंस um, करता है एक तो तरीके से क्लाइंट आपके पास आते हैं हर किस्म के आते हैं क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट एंड ऑफ लाइफ केयर पैलिएटिव केयर बिकॉज उसमें भी पर्सन का एंजाइटी और मूड मैनेज करना बहुत नेसेसरी है और Uh, they don't want to use artificial things they want to use natural things um, mm -hmm. uh, regular everyday overstressed burnt out uh, working person uh, people who feel low confidence people who feel um, unsafe anxiety ऐसे-ऐसे लोग आए हैं जिन्हें कभी जिंदगी में कभी ऐसे-ऐसे चीजें दिल में इतनी hold करके रखी मी होती हैं grudges जैसे grudges भी हो? होते हैं तकलीफ़ें भी होती हैं ग्रीफ्स भी होती हैं चीज़ें उनने देखी भी हैं चीज़ें उनने उनने, उनने जिंदगी भर किसी से नहीं बात की होती है और जब वो एक अच्छी चीज़ स्मेल करते हैं या अच्छी चीज़ से सेफ़ फील करते हैं फिर उनका दिल चाहता है बात करने का ओके तो फिर दिल हल्का होता है इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो कि क्लिनिकल अरोमा थेरेपी और लाइफ कोच को कैसे आप मिक्स करते हो इसको थोड़ा सा बताएं हाँ सो I work with different people, um, different doctors हो गए different therapists हो गए different kind of patients हो गए different किस्म के clients हो गए क्योंकि um, एक part जैसे chronic pain management हम लोग सोचते हैं कि इसमें तो सिर्फ um, तकलीफ होती है और तकलीफ़ के लिए कोई तेल दे दें दे या कोई चीज़ दे दें जिससे तकलीफ चली जाएगी बट mm. वो बार बार आती रहती है वो क्रॉनिक तकलीफ बन जाती है येस yes, इसमें एक डिजीज का भी एलिमेंट होता है पर इसमें एक इमोशन का भी एलिमेंट होता है mm. जहाँ पे स्ट्रेस uh, रिलेटेड भी ये तकलीफ ट्रिगर होती है इन्फ्लोमेशन जो होती है ah. ट्रिगर होती है मोस्टली बिकॉज ऑफ स्ट्रेस दूसरी तकलीफें जैसे फॉर एग्जांपल नी पेन आथरेटेड पेन ज़्यादा फ्लेयर अप जब होते हैं जब बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करती है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ऑलरेडी कोई चीज़ रिलैक्सिंग दी जाती है उसमें कोचिंग इस तरीके से आती है कि वी कोच द पर्सन कि हाउ डू यू मैनेज योर स्ट्रेस आपका माइंडसेट कैसे चेंज करना है आपका माइंडसेट कैसे स्ट्रॉन्ग uh, करना है हमने क्या हम क्या लैंग्वेज अपने साथ यूज कर अपने आप से यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे कोचिंग आती है तो देन ने वर्क वेरी वेल हैंड इन हैंड बिकॉज़ इट्स नॉट जस्ट येलो इट्स लाइक टेक दिस बट एनहांस इट ताकि मैक्सिमम बेनिफिट मिले बंदे को सो दैट्स वेयर कोचिंग एंड अरोमा थेरेपी मिक्स टुगेदर रियली वेल ओके एंड लॉन्ग लास्टिंग चेंज आई थिंक मुझे पॉडकास्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी करना चाहिए दिस इज Topic, भी मैं अभी तक लोगों से मिली क्या होता है कि चार पांच साल पहले किसी लव की डेथ हुई बट बाद में आ, वो बाद में पता चलता है पहले ये पता चलता है भाई मैं बहुत इरिटेबल हूँ आजकल मेरे में पेशेंस नहीं है ओके okay, आप में पेशेंस नहीं है तो मुझे ना कुछ दे दें जिससे मैं नींद बेहतर हो जाएगा कूकेज सही है वो भी सही है मगर तो आप मुझे बताइए कि जब आप इरिटेबल होते हैं आपकी फीलिंग्स कैसी हैं hmm. आप क्या करते हैं कैसे मैनेज कर रहे हैं अच्छा ये कितने साल पहले आपकी इरिटेबिलिटी शुरू हुई आपने कब नोटिस किया तब पता चलता है जब यू नो दे वॉज अ डेथ एंड आई प्रोसेस्ड इट मतलब कि मैंने उसकी okay. ग्रीव नहीं किया मैंने उसके बारे में बात नहीं की नहीं। या मैंने उसको प्रोसेस नहीं किया और मैं कंटिन्यू करता करते गया इन वो अच्छा अब ये ऐसे ये हुआ। है, इतनी इंटरेस्टिंग बातें हैं हर हाउस होल्ड पाकिस्तान में एक हर एक की डिफरेंट स्टोरी है हर एक का डिफरेंट सेटअप है कहीं पे पेरेंट्स और बच्चों में कॉन्वर्सेशन होती है कहीं पे नहीं होती क्वाइट होते हैं कुछ लोग आर्गुमेंट uh, स्टार्ट करने को भी हेल्दी समझते हैं बिटवीन पेरेंट्स एंड सिब्लिंग सिब्लिंग्स बात कर रही और कुछ लोग कहते हैं नहीं तो पाकिस्तान में जो मोस्टली मैंने हाउसहोल्ड्स uh, देखे हैं उनमें ज्यादा बातचीत नहीं की जाती वो लगता है ऑटो चल रहे होते हैं मिक्स देखे मैंने अच्छा Min आपका क्या टेक है इस पे मैंने मिक्स देखे आई थिंक ईच सिस्टम वर्क्स फॉर इटसेल्फ यू नो कि कुछ जगहों पर कुछ जगहों पे नहीं सूटेबल है व्हाट्स बेटर इज कि बंदे की इंडिविजुअल नीड क्या है घर के अंदर और क्या mm -hmm. वो इज दैट बीइंग बीग मैट आप अप, uh, किस तरीके से अपने बच्चों को टीच कर रहे हैं कि जब चैलेंजेस होते हैं इनको कैसे रेगुलेट uh. करना है वो ज़्यादा जरूरी है देन mm -hmm. कौन ज्यादा चीख रहा है कौन कम चीख रहा है true. मुझे लगता है कि जितना भी हम अपना मीडिया भी देखते हैं या आसपास सोसाइटी को देखते हैं उसमें जो ओल्ड स्कूल हैं और जो आजकल की जेनजी है नई नस्ल है एंड मिलीनियल्स एज वेल ऑफ कोर्स उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है क्लैश है और उसकी वजह से एक घटन वाली लाइफ बहुत सारे यंग लोग जी रहे हैं yeah. उन्हें अपनी ओपिनियन कहने का बात कहने का या वो जो ड्रीम्स वो सोचते हैं कि हम लाइफ में ये करना चाहते हैं वो उसको अप नहीं कर पाते हैं yes. और मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूंगी कि पाकिस्तान में जो हमारी जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है बच्चे पैदा करने का तो बहुत शौक है लेकिन उनकी अपब्रिंगिंग कैसे करनी है इसके बारे में पेरेंट्स ज़िम्मेदार पाकिस्तान में नहीं हैं इट्स लाइक नो देर आर चिल्ड्रन एंड वी विल रेज देम यस बट देन योर टीचर्स आर आल्सो पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस योर ग्रैंड पेरेंट्स आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस योर फ्रेंड्स इनके इनके फ्रेंड्स के पेरेंट्स आर पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस एज़ वेल सो it's not, it doesn't, it's not one person raising them or two people raising them, it's an entire community and environment mm -hmm. that's raising them. what we have forgotten along the way is grooming, which is tarbiyat, mm -hmm. which comes along with mm -hmm. um, modernization. agar ham dono ko take leke together, we will be a very lost society in this way that, be intrinsic sense of direction, nahi वो एन वेन आई से दिस वाट एम ट्राइंग टू सेट इफ वी डोंट नो वाट रॉन्ग एंड राइट येस मे बी वाट्स रॉन्ग एंड राइट डजन अब जो पुराने जमाने के ऑप्शंस थे शायद वो अब नहीं अप्लाई करते इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दोनों तरफ से होती है बट अगर हम उनका मकसद समझें कि पेरेंट्स कि बच्चों की जॉब सिक्योरिटी हो hmm. पहले जमाने में क्या था लॉयर टीचर डॉक्टर दैट वाज़ द मोस्ट सिक्योर जॉब इंजीनियर इंजीनियर बट नाउ विद द हेल्प ऑफ़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी लुकिंग एट कंप्यूटर पुराने जमाने में लुकिंग एट पीपल थिंक वेस्टिंग टाइम ऑन द फोन But there is so much you can do on the phone. More every, so many people's businesses are run just on the phone. Mm -hmm. So, for for that understanding to happen, mm -hmm. there has to be a dialogue mm -hmm. and a communication that is not happening. Mm -hmm. And awareness mm -hmm. is not happening So when you your original thing in in this case, um, why the, the society is going this way is that. And why I talked about Tarbiyat is hmm. because the Tarbiyat would allow that dialogue to happen. Hmm. Where parents respect their children and the children respect their parents hmm. enough to have that communication. So, ending podcast? ending the If there was a final message to be continued, um, it would be that take care of yourself, be kind to yourself. Subuhi, I you explained empathy. एंड यू पीपल गूगल इट जिस तरीके से मैं एम्पेथी को व्यू करती हूँ एम्पे मीन्स वो पुटिंग योर सेल्फ मैंटली एंड फिजिकली इवन हाइपथेटिकली मतलब कि एहसास एम्पथी मीन्स एहसास ऑफ समथिंग, एहसास के शायद वो बंदे का उस वक़्त मुश्किल वक्त है mm -hmm. इस वजह से उसको थोड़ा मार्जिन देना चाहिए शायद ये सही मौका नहीं है इस टॉपिक के बारे में बात करने का yeah. कुछ लोग होते हैं ना सोचे बगैर कुछ भी बोल देते हैं और एम्पथी आल्सो कैन बी समथिंग लाइक अपने आप से किस तरीके से हम बात करते हैं yeah. uh, सबसे ज़्यादा हम अपने साथ ही क्रिटिकल होते हैं yeah. क्योंकि हम लोग उस माइंडसेट से आते हैं कि अगर हम अपने आप को, uh, को uh, के साथ सख्त नहीं होंगे तो फिर हमारी लाइफ सक्सेसफुल नहीं होगी बट दैट्स नॉट ट्रू शायद बिकॉज हम इतना सख्ते अपने आप से हमने अपने आप को एक इतने ज़्यादा फिर कंपैक्ट um, कर दिया hmm. कि फिर हमने काफ़ी चीज़ें लाइफ में मिस आउट कर ली बिकॉज हमने hmm. हमने अपने आप को मौका hmm. ही नहीं दिया टू फील गुड टू फील हैप्पी टू फील एनी थिंग एंड दैट वॉज वन ऑफ द थिंग्स दैट अलाट ऑफ पीपल से बट यू आर लाइक दिस हाउ कैन यू बी हैप्पी आई एम नॉट सींग बींग दिस वे इक्वेट्स अनहेप्पीनेस आई हैव माई ओन हेल्थ गोल्स जैसे आईव टेकन अप टू मच स्पेस एट द सेम टाइम आई नो आई एम गोन दैट स्पेस एज वेल सो इट्स लाइक बींग वेरी काइंड एंड बैलेंसिंग ऑल्सो नो दैट ये सर्टन वेट के बाद आपको फिजिकल हेल्थ इशूज होंगे मैं ये एडवोकेट नहीं करी हूँ बी फैट और बी स्किन बैलेंस इज अ गुड थिंग इन एनी थिंग So, I'm I'm advocating balance, I'm, but I'm saying talk about inclusivity, talk about tolerance. Because the first thing was ki if you had a more tolerant society, would we have maybe kinder human beings, maybe more understanding and holding spaces? Shai, because of the kindness, the other person will feel motivated. But from, not from आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा आई होप सुबू की बातें सुन के आपके माइंडसेट में कोई चेंज आया हो इस पॉडकास्ट के बाद जब आप किसी से मिले जो वेट इश्यू से डील कर रहा हो या किसी हार्डशिप से गुजरा हो तो बी काइंड टू दैट पर्सन एंड बी काइंड टू योर सेल्फ टू थैंक यू